जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग यहां पर रामसागर पारा में यहां के विधायक पश्चिम के श्री विकास उपाध्याय की सहायता केंद्र में हैं। हम लोग हरी साहू जी है, ऋषि साहू जी है, बसंत तिवारी जी हमारे साथ में हैं और इसके साथ में एक और भी लगे हुए कार्यकर्ता ब्रजमोहन साहू जी भी हमारे साथ में हैं। ये एक आप देख रहे हैं कि ये जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो जिनके पास में कोई साधन नहीं है, हालांकि सरकार ने 2 महीने का मुफ्त अनाज दिया है, लेकिन ये हरीश भाई क्या क्या है इस पैकेट में जो पैकेट बना के रखे हैं आप? ये जैसे कि आप अपन देख रहे हैं, यहाँ पे अभी पैकिंग जारी है। हम आपकी जानकारी के लिए ये दाल है, ये 1 किलो राहर दाल का पैकेट है। इसमें 2 मास्क हैं। दो मास्क की जरूरत है। जैसा ये मैंने पहना है, ये यहीं का मास्क है। ये एक बचाव के उपाय हैं। बचाव के उपाय नंबर वगैरह है। 104 नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। राज्य सर्वेक्षण इकाई का ये टोल फ्री नंबर है। इसमें देख रहे हैं कि विकास उपाध्याय ने बनाया कोरोना वायरस के लक्षण, बुखार आना, सिर दर्द, नाक बहना, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, गले में खराश, सीने में जड़कन। इसके अलावा ये आप बता रहे 5 किलो चावल है इसमें। ये ऐसे करके एक पूरा पैकेट इसमें है। चीनी भी मैं देख रहा था कि चीनी भी आप लोगों ने डाली, मेरे ख्याल से आलू और डालेगा। अच्छा, आलू और डालेंगे जी। 1 किलो आलू है, 5 किलो जो है चावल है, 1 किलो दाल है। इसके अलावा मास्क है, 2 मास्क है। ये एक ठोका और जो है दिया है कि संक्रमित व्यक्ति के निकट के संपर्क में से आने से बचे, नियमित रूप से दिन में कई बार हाथों से साबुन साफ पानी से धोए, बिना हाथ धोए अपनी आंख, मुंह और कान में ना छुए। संक्रमित सामग्रियों को संपर्क में आने के बाद आंख या कान में छूना व्यर्थ है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। यहां पर भी हमें लोग देख रहे थे कि यहां जब आए थे सोशल ये केंद्र में जो कर रहे हैं, इसमें आप लोग का क्या सावधानी रखते हैं? इसमें सावधानी हमारी है, जैसे हमने एक पूरा ऑफिस लेके रखा है, ये सेफ जोन है, ये पूरे लॉक्ड रहते हैं। एनी टाइम इसको किसी का आने जाने का यहाँ परमिशन है। ये हमारे कार्यकर्ता हैं, बाहर सैनिटाइजर रखा हुआ है, पूरे सैनिटाइज होकर अंदर आते हैं, उसके बाद ये पैकिंग का कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से एक बड़ा अच्छा ये जो है रामसागर पारा तात्यापारा वार्ड के लिए है। ये ये रामसागर पारा तात्यापारा वार्ड के लिए माननीय विकास उपाध्याय जी के निर्देश पे, जो कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कि कोई भूखा नहीं सोएगा छत्तीसगढ़ में जो जारी किया हुआ है, उसके तहत हमारे माननीय विधायक इसको फॉलो करते हुए ये सब व्यवस्था दे रहे हैं। कितने इस तरह के पैकेट बना चुके हैं? अभी हम यहाँ 250 पैकेट बना चुके हैं, जिसमें से 150 वितरित हो चुके हैं। ये 100 की तैयारी आप देख ही रहे हैं, अभी चालू हो जाएगा ये बटना। बहुत अच्छा है, इस तरीके के नेक कामों से दूसरे लोगों को हौसला मिलता है। ये जो महामारी है कोरोना COVID-19, ये बिन बुलाई मेहमान है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना दिन लॉकडाउन में रहेंगे और आने वाले लगता है कि 14-15 दिन और भी लॉकडाउन में रहने वाले होंगे। मतलब पूरा महीना, सवा महीना इसमें गुजर जाएगा। ऐसे समय में जो जरूरतमंद है उनकी सेवा करना, उनका अपना फर्ज निभाना बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरीके के फर्ज निभा के आप उन लोगों को जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर हैं या गरीब आदमी हैं, जिनका रोजगार भी अभी बंद है, काम भी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं से आय का साधन नहीं है, उनको आप घर बैठे ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम है। ऋषि साहू जी साथ में हैं, बसंत तिवारी जी है और ब्रजमोहन साहू जी भी, ये पूरी टीम है, नरेश अग्रवाल भी है, पूरी मारवाड़ी युवा मंच की पूरी टीम है। तो सब लोग ये अखंड राम नाम सप्ताह जो होता है और रामसागर पारा के ये पूरा मनिहार कॉम्प्लेक्स जो है, ये सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं कि एक तरीके से मदद कर सके। मैं तपेश जैन, दिनेश साहू के साथ में, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।